नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुरमे टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ लक्षिका। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं देश और प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर पिछले 53 दिनों से हिंसा जारी है और इसी के चलते सुरक्षा बलों और पुलिस ने कल राज्य के 7 जिलों में सर्च ऑपरेशन चलाया। जानकारी के मुताबिक मणिपुर पुलिस और सुरक्षा बलों ने कई जिलों में पिछले 24 घंटे में 12 बंकर तोड़े हैं। वहीं इसको देखते हुए आज गृह मंत्री पीएम से मुलाकात कर सकते हैं। मौसम विभाग ने आज जानकारी देते हुए बताया कि अगले 2 दिन तक मध्य प्रदेश समेत 25 राज्यों में भारी बारिश होने के अनुमान है। बता दें कि बीते दिन देश भर में हुई बारिश से 5 राज्यों में 16 लोगों की जान गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में बादल फटने की भी घटना सामने आई है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। ओडिशा और महाराष्ट्र में कल अलग अलग सड़क हादसों में 20 लोगों की मौत हो गई है जबकि 22 लोग घायल हुए हैं। ओडिशा के जंगम जिले में 2 बस आपस में भिड़ गई जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 अन्य लोग घायल हुए थे। वहीं दूसरा हादसा महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले का है। यहाँ दापोली में स्टेट हाईवे पर एक ट्रक ने सवारी गाड़ी को टक्कर मार दी जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि अब अपनी लड़ाई सड़क के बदले अदालत में लड़ेंगे और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता, लेकिन अब सड़क पर दंगल नहीं होगा। वहीं इनके फैसले से खाप पंचायतों को झटका लगा है। अमेरिका के 4 और मिस्र के 2 दिन के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। बता दें कि कल मिस्र दौरे के आखिरी दिन मोदी ने इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी से मुलाकात की, जिस दौरान राष्ट्रपति सीसी ने उन्हें मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए सुरमई टाइम्स के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।